हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज डॉक्टर आकाश भदौरिया और मैं आज फिर से आपके सामने तीन बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ कोविड के ऊपर। पहला तो ये कि कोविड के पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए, दूसरा ये कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप कैसे रिकवर करेंगे, और तीसरा ये कि क्या अर्ली स्टेज ऑफ कोविड में आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा था कि क्या कोविड पेशेंट को कितना पानी पीना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोविड पेशेंट को उनके बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 30 ml पानी पीना चाहिए। जैसे मान के चलो कि मेरा वेट 50 kg है, तो 50 × 30 ml मतलब 1500 ml पानी उसको पूरे दिन में पीना चाहिए, मतलब करीबन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी उसको कोविड के पेशेंट को पीना चाहिए। अनलेस अगर उसको कार्डिक या किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही पानी ले। अगर घर पे कोई डॉक्टर अरेंज नहीं हो पाता है, आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो दिए हुए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था कि आपको कोविड पेशेंट को रिकवर कैसे करना चाहिए। कोविड पेशेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको वीकनेस बहुत है, कमजोरी बहुत है। तो मैं आपको चलिए एक रिपोर्ट बताता हूँ। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जिनको भी कोविड हुआ है और अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक काफी अच्छा था, उनकी मसल्स में प्रोटीन बिल्डअप था, तो कोरोना का वायरस उनको इतना इफेक्ट नहीं कर पाया जितना और लोगों को किया। तो हमें किसी अदर सप्लीमेंट पे नहीं जाना है, कहीं दवाई में नहीं जाना है कि विटामिन की टेबलेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है कोविड खत्म होने के बाद, और आप कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। मेरी गारंटी है ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। अब जैसे आपका वेट है मान के चलो 50 kg, ठीक है, तो आपको 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना है, तो 50 × 1.5 मतलब 75 ग्राम प्रोटीन आपको दिन में लेना है और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा ये था कि किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया कि आप सीटी स्कैन कराएं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप होम आइसोलेट हैं, आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, हाँ ठीक है थोड़े बहुत सिम्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सीटी स्कैन कराएं। अब सीटी स्कैन क्यों नहीं कराना है इतनी जल्दी, इतनी अर्ली स्टेज में सीटी स्कैन कराने के लिए मैं आपसे क्यों मना कर रहा हूँ, उसके भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जो रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन की बात करते हैं, उनका ऐसा दावा है कि एक सीटी स्कैन जो है वो 300 से 400 एक्सरे के बराबर है। आप सोच के देखिए, अगर आपने एक सीटी स्कैन कराया तो वो 400 एक्सरे के बराबर है, और अगर आपने दो से तीन सीटी स्कैन करा दिए तो स्पेशली यंगर्स पीपल में इट विल लेटर डेवलप द रिस्क ऑफ द कैंसर, जो कि बहुत खतरनाक है। और मुझे अपने ही डॉक्टर्स के बारे में कहते हुए बहुत शर्म, बहुत अफसोस महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ ये कमाने के लिए सीटी स्कैन कर रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सीटी स्कैन अर्ली स्टेज में ना कराएं, आपको कराना भी है तो आप चेस्ट एक्सरे कराएं, उससे पता चल जाता है कि आपके लंग्स की कंडीशन क्या है। स्टार्टिंग में कोई भी सीटी स्कैन ना कराए, वो घर में ही बेसिक जो कोविड की दवाइयां जो सरकार अलॉट कर रही है उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्कैन ना कराएं, कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर को अपनाएं, माइल्ड इन्फेक्शन में जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, बेसिक मेडिसिंस लें, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी की बातों में ना आए, बस मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। और ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक जाते जाते मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हुए जाऊंगा कि आपको पहला सिम्टम आया है तो आप अपने डेज काउंट कीजिए। अगर आपको पहले छींक आई है, खांसी आई है या फीवर आया है तो डे वन से आप उसको अपना लिखिए और डे फाइव तक देखिए। अगर डे फाइव के अंदर अंदर वो चीज, वो सिम्टम ठीक हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है,
डे 5 और डे 6 को वो सिम्टम दोबारा से उभर के आता है और इस बार अच्छे से उभर के आता है, एक सीरियसनेस है उस सिम्टम में, तो फिर आपको जाके अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो आप अपने डेज काउंट कीजिए, अगर पांचवें और छठवें दिन याद रखिए, डे 5 एंड डे 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन दो दिनों में आप सिम्टम समझ गए और आपने अर्ली स्टेज में कोरोना को पहचान लिया और दवाई करानी शुरू कर दी, मैं गारंटी देता हूँ कि भारत के अंदर एक भी मौत नहीं होने की। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर रखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसलिए प्लीज 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 शेयर कीजिए। थैंक यू।